हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन दिस सीरीज़ हम, कर हम स्टार्ट कर रहे हैं रियल एनालिसिस की हमारी सीरीज चलिए इसमें आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं सेट थ्योरी एंड रियल नंबर सिस्टम की ठीक है तो इसमें हम सेट्स के फंक्शंस सेट और उसके रिलेशंस फिर फंक्शंस बाकी सब टॉपिक्स इसमें कवर करेंगे सिलेबस से हमारे पास इसमें कि एलिमेंट्री सेट थ्योरी देन फाइनाइट काउंटेबल एंड काउंटेबल सेट्स रियल नंबर सिस्टम एज अ कम्प्लीट आउट ऑफ वर्ड आर्कूमटेडियन प्रॉपर्टी देन सुप्रीम एंड इनफीम हम इन सब की बात करेंगे ठीक है अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हुए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें बताएं अपने टॉपिक की तरफ इसमें सबसे पहले टॉपिक है सेट अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि सेट क्या है सेट की डेफिनेशन बताएं तो उसकी एक एग्जैक्ट डेफिनेशन ये है अ well सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिस्टर्निक ऑब्जेक्ट ठीक है सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेर डिस्टिनिक्स ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेट आर कार्ड द मेंबर और एलिमेंट ऑफ द सेट एंड देर मेंबर्स इज डिफाइंड बाई अ सर्टिन कंडीशंस ठीक है वो कंडीशंस कौन कौन सी होगी द एलिमेंट ऑफ द सेट द एलिमेंट्स ऑफ द सेट कैन बी एनी थिंग पेंसिल्स एप्पल रबर सन एक्सेट्रा कुछ भी एलिमेंट्स हो सकते हैं ठीक है और सपोज एस बी द सेट एस को कोई सेट है डेट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड स्मॉल एक्स इज एन ऑब्जेक्ट विच बिलोंग टू एक्स ठीक इसी तरह से डेट इज़ द मेम्बर ऑफ एक्स देन वी विल राइट एक्स बिलोंग्स टू एक्स मीन्स एक्स हमारे पास कोई एक एलिमेंट है अब वो किसी सेट एक्स में बिलोंग कर रहा है तो ये एक्स स्मॉल एक्स सब होगा किसका इस कैपिटल एक्स का ठीक है वो यहीं पे लिखा है वी कैन आल्सो राइट कैपिटल एक्स इज इक्वल टू इसको सेट इज इक्वल टू एक्स सच डेट क्यू ऑफ एक्स इट मीन्स एक्स इज द सेट ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर विच द स्टेटमेंट क्यू ऑफ एक्स इन्वॉल्विंग एक्सेज ट्रू ठीक है मीन्स एक्स इन्वॉल्व कर रहा है किस सेट में एक्स एस में ठीक है नॉर्थ यहाँ पर नॉर्थ पॉइंट दिए रखे हैं आप इन सबको नोट डाउन भी कर सकते हैं अच्छे से कि सेट आर जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ए बी सी पी क्यू एक्स वाई एक्सेट्रा किसी भी कैपिटल लेटर से हम सेट को डिनोट कर सकते हैं सेकेंड इज एलिमेंट ऑफ द सेट आर डिनोटेड बाय द स्मॉल लेटर जो एलिमेंट्स होते हैं सेट के उसे डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से सच डेट ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी पी क्यू एक्स वाई कुछ भी एक्सेट्रा ठीक है देन थर्ड इज If x is not the member of the set S, then it is written as x does not belongs to x. agar कोई x member नहीं है किसी set का x का तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि x does not belong x. ठीक है and read as x does not belong to S. जैसे मैंने आपको बताया. उसके बाद हम बात करते हैं subset की. ठीक है subset क्या होता है? तो if every element of a set A is also in element of a set B then A is कॉल्ड अ सबसेट ऑफ B एंड it denoted बाय A सबसेट ऑफ B. ठीक अगर A के एलिमेंट B के एलिमेंट में बिलोंग करते हैं तब हम उसे क्या बोलते हैं कि A इज़ अ सबसेट ऑफ B. उसके बाद हम बात करते हैं सुपरसेट की सुपरसेट. देखिए इफ़ ए इज अ सबसेट ऑफ बी अगर ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी मीन्स ए इज़ कंटेन इन बी अगर ए सबसेट है बी का तो ए कंटेन करेगा किस में बी में वी कैन आल्सो से डैट बी कंटेन इन ई तो अगर ए के एलिमेंट बी में कंटेन कर रहे हैं तो ये जाहिर सी बात है कि बी के एलिमेंट जो हैं वो ए में कुछ एलिमेंट उसके कंटेन करेंगे और बी इज़ अ सुपर सेट ऑफ ई सॉरी बी इज़ अ सुपर सेट ऑफ ए तो बी जो होगा वो सुपर सेट होगा ए क्योंकि अगर ए के सपोज़ हमारे पास ए के कोई एलिमेंट हैं जैसे कि वन टू थ्री कुछ भी एलिमेंट्स हैं और जो बी के एलिमेंट हैं वो है टू थ्री फोर फाइव तो ए के एलिमेंट्स किस में बिलोंग कर रहे हैं बी में तो इसको हम सुपर सेट बोल देते हैं और इसको लिखते हैं कैसे हैं इट कैन बी रिटर्न एज बी सबसेट ऑफ ए अगर जब बी सबसेट ऑफ ए इसको ऐसे लिखो ऐसे लिखो सबसेट में नीचे इक्वल टू लिखा लगा दिया यहाँ पर नहीं क्योंकि के सभी एलिमेंट किसमें प्रो कर रहे हैं बी में उसके बाद हम बात करते हैं प्रॉपर इक्वालिटी ऑफ सेट ठीक है इक्वालिटी ऑफ सेट क्या होता है इफ टू सेट ए ए एंड बी आर इक्वल देन सिम्बोलिकली इट इट इज़ रिटर्न हैज ए इज इक्वल टू बी अगर दो सेट इक्वल हो जाते हैं तो हम उसको लिख लेते हैं ए इज इक्वल टू बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग टू बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी बिलोंग्स टू ए दैट इज एक्वल टू बी इफ एंड ऑनली इफ एक्स बिलोंग्स टू ए दैट इज एक्स बिलोंग्स टू बी अगर एक्स कोई एक एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है ए में तो जाहिर सी बात है वो उसके एलिमेंट बिलोंग करेंगे बी में भी इसी तरह से हम बोल हैं कि ए सबसेट है किसका बी का और बी सबसेट है किसका ए का इन दिस केस ए इज इक्वल टू बी ठीक है उसके बाद हम बात करेंगे प्रॉपर सेट की इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन एलिमेंट ऑफ बी एंड बी कंटेन एटलीस्ट वन एलिमेंट विच डज नॉट बिलोंग्स टू ए मीन्स अगर सेट ए का कोई सभी एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं बी में लेकिन बी का कोई एक एलिमेंट बिलोंग नहीं कर रहा हो ए में इन दिस केस इफ अगर ए सबसेट तो होगा बी का क्यों क्योंकि एक एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं बी के देन पर ए इक्वल नहीं होगा किसके बी के देन वी कैन से डैट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड इट इज डिनोटेड बाय ए सबसेट ऑफ बी ठीक है एग्जाम्पल के फॉर्म में हम देखते हैं टू थ्री सिक्स फोर इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ फोर थ्री टू सिक्स फाइव एट अब यहाँ देखो टू थ्री सिक्स एंड फोर ये इसमें ब्लॉक्स तो कर रहे हैं मीन्स इसका हम ये मान लेते हैं कि अगर ये हमारे पास एक ए सेट है ठीक है और ये हमारे पास क्या बी सेट है मीन्स तो ए सबसेट है किसका बी का ठीक है ए सबसेट है बी का लेकिन क्या ए के सभी एलिमेंट इक्वल हैं बी के नहीं मीन्स ए डज नॉट इक्वल टू बी इन दिस केस हम इसको बोल देते हैं प्रॉपर सेट ठीक है मीन्स कंडीशन दो होनी चाहिए इसमें कि फर्स्ट ए के सबसेट ब्रोंग करना चाहिए बी में एंड सेकेंड ए डज़ नॉट इक्वल होना चाहिए बी के ठीक है सो इन दिस वीडियो हम कवर करेंगे यहीं तक इसके नेक्स्ट वीडियो में हम और इसके अलग टॉपिक्स बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे यूनिवर्सल सेट और फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट क्या होता है सेट क्या होते हैं इन सब के बारे में बात करेंगे अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग